आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो दोनों नेताओं में मुलाकात के दौरान बात भी हो सकती है। दरअसल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इस बार पटना में होनी है। इस बैठक के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। पूर्व केंद्रीय परिषद में 4 राज्य हैं, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। आगामी 10 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में होगी। इस बैठक में सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार बैठक पटना में होगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से वो केंद्र सरकार के साथ अहम बैठक से दूरी बनाते नजर आए हैं। नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, लेकिन G20 की बैठक की डिनर में नीतीश कुमार शामिल हुए थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अच्छी ट्विनिंग नजर आई थी। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पिछले साल कोलकाता में हुई थी तो बीमार रहने वाले का हवाला देकर नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए थे। चूंकि इस बार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हो रही है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हो जाएं। अगर इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे तो उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रीय बैठक का मकसद राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना है, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अनुभव को साझा करने का मौका भी इस बैठक में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।